हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गॉस डेट। सो कैसे हो सारे? आई होप कि आप सब बढ़िया होकर हमें सीखते रहे। सो जैसे कि आप सभी को मालूम है, मकर संक्रांति आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो मैंने सोचा भाई इस पर एक ट्यूटोरियल लाना तो बनता है। तो और क्या, मैं हाजिर एक अमेजिंग एंड कूल एडिटिंग के ट्यूटोरियल के साथ। बस आप वीडियो को बिना स्किप किया लास्ट तक देखते रहना, एंड आपको वीडियो जैसे भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से करना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड अगर आप स्टैप क्रिएट करते हो तो मुझे स्टैप अटैक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह अपने फ़ोन में कर लेना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन। ओके, सो मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन। और जैसे भाई आपके फ़ोन के अंदर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन होएगा, उसके बाद आपके सामने जो है भाई इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सो आप सभी को सिंपल यहाँ पे करना क्या, जैसे साइड में जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है आप सबको इस पर क्लिक कर लेना आपको। ओके, और इस प्लस का आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सो आपको यहाँ पे ऑल फोटोज़ पर क्लिक करना है। ऑल फोटोज़ पे क्लिक करने के बाद रिसेंट जो आपको दिख रहा है इधर, रिसेंट पे क्लिक करना है। और रिसेंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग का फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा भाई जो आपका है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड के फोल्डर में जाने के बाद मैं अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो मैं से यहाँ कर लेता हूँ, मतलब बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। और मैं यहाँ पे जो भी यूज करूँगा इस फोटो के लिए बैकग्राउंड पे जी, वो सारे के लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। सो आप सब वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इस वाले बैकग्राउंड को लाने के बाद आप सभी को सिंपल यहाँ पे करना क्या कि आपको यहाँ से ऐड फोटो में चले जाना। और ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को यहाँ से रिसेंट में जाकर, और यहाँ से फोल्डर में हम लोग जाते हैं डाउनलोड की फोल्डर में, और यहाँ से हम लोग पतंग की पीएनजी को ऐड कर लेते हैं काइट। ओके, सो यहाँ से पतंग की पीएनजी को हम लोग ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद भाई इस टाइप से हम लोग अपने बैकग्राउंड के ऊपर इस टाइप से हम लोग सेट कर देंगे सारे पतंग को। आप सब देख सकते हो कितना ऑसम से लग रहा है देखने में। एंड सिंपल हम लोग इस टाइप से सेट करने के बाद डन कर देंगे। सो यहाँ पे हमने डन कर लिया। और इस टाइप से आपको पतंग को लगाने के बाद आप सभी को यहाँ से टूल्स में चले जाना है। ओके, एंड टूल्स में जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे जो टिल्ट शिफ्ट दिख रहा है आप लोग को टिल्ट शिफ्ट में आना है। और यहाँ पे आने के बाद आप सभी को इसका जो सर्कल है भाई, इसका जो लाइन, तो इस टाइप से लाना है। और इसके अमाउंट को आप लोग को रखना कुछ 4 के आसपास रखना। ओके, जैसे भाई आपका जो पतंग उड़ रहा भाई स्काई में, वो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो जाएगा आपका काइट। ओके, सो ये सही रहेगा फिर देखने में। सो इस टाइप के करने के बाद आप लोग को वहाँ से डन कर देना। एंड उसके बाद फिर आप सभी को यहाँ से फिर से ऐड फोटो में चले जाना है। और ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को यहाँ से डाउनलोड के फोल्डर में जाना, और रेलिंग पीएनजी है भाई ये। सो हम लोग ये ग्रिल रेलिंग पीएनजी है, सो हम लोग इस पीएनजी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, सो ये पीएनजी है। सो इस पीएनजी को ऐड करने के बाद आप सभी को सिंपल यहाँ पे करना क्या है कि हम लोग अपने फोटो को ऊपर इस टाइप से यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद ये अभी ब्लैक कलर का भाई, सो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसको सिल्वर कलर टाइप का बनाना है। सो इसके लिए हम लोग एडजस्ट में जाएंगे और ब्राइटनेस को कर देंगे +100। ओके, और उसके बाद हम लोग कंट्रास्ट को प्लस में ही रखेंगे। सो सही है। एंड उसके बाद नीचे की तरफ हम लोग शैडो को भी यहाँ पे प्लस में रखेंगे हम लोग, नहीं सॉरी माइनस की तरफ रखेंगे। और टेम्परेचर को भी माइनस की तरफ रखेंगे, जिससे भाई ये जो ग्रिल है इस पर, मतलब ये जो रेलिंग है उस पर थोड़ा ब्लू ब्लू इफेक्ट आए। उसके बाद हम लोग सिंपल स्टेप से परफेक्ट सेट कर लेना इस रेलिंग को। उसके बाद सिंपल हम लोग यहाँ से कर देंगे डन। सो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा बैकग्राउंड जो वो भाई परफेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका। आप सब देख सकते हो और देखने में कितना ऑसम से लग रहा। सो इस टाइप से बैकग्राउंड रेडी करने के बाद हम लोग ऐड फोटो में जाएंगे और अपने फोटो को हम लोग इस बार ऐड कर लेंगे। ओके, सो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ पहले तो। और ऐड करने के बाद भाई अपने फोटो को लाने के बाद इस टाइप से रेलिंग के ऊपर परफेक्ट अच्छे तरीके से आप सभी को बैठा देना, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ। सो इस टाइप से आप बैठा लेना। ओके, और परफेक्ट सेट कर लेने के बाद फिर आप सभी को यहाँ पे करना क्या, एंड ये जो भाई ये जो फोटो है इसे मैं पहले से कट आउट करके रखा हूँ। सो अगर आपको कट आउट करना नहीं आता तो ऊपर आई बटन पर वीडियो आ रहेगी, ताकि आप लोग ये वीडियो देख लेना, आप लोग भाई कट आउट करना सीख जाओगे। ओके, सो अपने फोटो को परफेक्ट इस बैकग्राउंड के ऊपर, इस रेलिंग के ऊपर सेट कर लेने के बाद सिंपल आप सभी को यहाँ से कर देना भाई डन। ओके, सो ये तो हमारा ये भी स्टेप कंप्लीट हो चुका, और हमारा यहाँ पे फोटो देखने में काफ़ी ऑसम से लगने लगा। सो इसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ पे ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे दो पीएनजी को ऐड करने वाले हैं। एक अब भाई यहाँ पे एक सनलाइट पीएनजी है, सनलाइट लेंस पीएनजी है वो, और एक यहाँ पे, यहाँ से मैं सनलाइट लेंस को ले लेता हूँ। और उसके बाद एक शैडो पीएनजी है। सो ये दोनों पीएनजी को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ पहले तो। सो शैडो ये रहा। सो ये दोनों पीएनजी को ऐड करने के बाद ये रहा शैडो। सो हम लोग अभी शैडो को, सनलाइट को भी हम लोग साइड में रखेंगे इधर, लेंस पीएनजी जो इसे भी हम लोग साइड में रखेंगे और ये शैडो को लाएंगे। और जहाँ पे भी हम लोग बैठ के यहाँ पे बिल्कुल ही फेक सा लग रहा, सो हम लोग शैडो बनाएंगे। तो शैडो को हम लोग यहाँ पे स्टेप से सेट करेंगे और इसका ऑपेसिटी हम लोग कम कर देंगे। और उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट हम लोग बनाएंगे लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट। और इधर जो हाथ भाई हम रखे हैं रेलिंग के ऊपर, सो हम लोग इसके यहाँ पास एक सेट कर देंगे। सो इस टाइप से दोनों को सेट करने के बाद, दोनों जगह पे परफेक्ट शैडो को फिक्स कर लेने के बाद, फिर अब हम लोग लाएंगे अपने सनलाइट को और सन लेंस जो पीएनजी है भाई, इसे लाने के बाद इसका ब्लेंड मोड को हम लोग यहाँ पे कर देंगे स्क्रीन। और इस टाइप से हम लोग भाई इस तरफ इस साइड में सेट कर देंगे। ओके, और इस साइड में सेट कर लेने के बाद आप सभी को जो है सिंपल यहाँ से सिंपल
कर देना यहाँ से डन। सो ये तो हो गया हमारा भाई यहाँ पर काम कंप्लीट, और जितने भी स्टेप था वो हमारा पिक्स आर्ट के अंदर वो सारा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। सो इसलिए हम लोग ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद अपने इस फोटो को पिक्स आर्ट से कर लेंगे सेफ। ओके सो ये तो हमारा यहाँ पे सेफ हो चुका फोटो, और फिर अपने इसी फोटो को हम लोग ओपन कर लेंगे भाई लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर। ओके सो मैं कर लेता हूँ, और लाइट रूम के अंदर मैंने अपने फोटो को ओपन कर लिया। सो ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे करना क्या कि ये जो भाई मैंने प्रेसेट दे रखा आप सबको लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो आप सब वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और इस प्रेसेट को लाने के बाद आप सभी को यहाँ पे करना क्या, आप सभी को यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा होगा इधर कॉर्नर में, सो आप सबको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना, और यहाँ से सिंपल आप सभी को यहाँ पे सारा पे टिक रहेगा, ज्योमेट्री और टूल्स पे मत करना ठीक कोई नहीं, और यहाँ सिंपल आप लोग डन करके सेटिंग कॉपी कर लेना। ओके और उसके बाद फिर अपने फोटो को लाना, और फोटो को लाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आप सभी कर देना भाई पेस्ट सेटिंग। सो आपका यहाँ पे जस्ट वन क्लिक में आपका यहाँ पे फोटो जो है वो रिटेच हो जाएगा। सो काफ़ी सही है भाई। सो आप सब इस प्रेसेट को डाउनलोड कर लेना, लिंक द डिस्क्रिप्शन। सो सही है। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर से करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड अगर आप स्टैप क्रिएट करते हो तो मुझे स्टैप पे जरूर से टैग करना। मैं मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।